कहते हैं जीवन में जब बहुत परेशान होना बेटा, निराश हो जाना, तो पीछे की ओर एक बार देख लेना। तुम्हारे ऊपर तो कपड़ा भी है, पीछे करोड़ों लोग दिखाई पड़ेंगे जिनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं है। पीछे देखोगे तो तुमको अपनी स्थिति का अवलोकन करके आनंद की अनुभूति होगी, भगवान की बड़ी कृपा। और जब लगे कि के बा हमरी नियर, हमारे एक परिकर हैं नन्हे मुन्ना पांडे जी, बड़े अद्भुत हैं, दोनों जिहुआ भाई हैं। उन लोग का बेड है 8 फुट का, 8 फुट चौड़ा बेड। हम उतना बड़ा बेड नहीं देखे। हम पूछे कि भैया इतना बड़ा बेड कौन बनवाता है? बोले महाराज जी, नन्हे मुन्ना पांडे दोनों भाई जेवा और जन्म लिए हैं, जब भगवान एक साथ पैदा किए हैं तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? हम दोनों भाई एक साथ सोते हैं, उम्र है 50-55 साल, दोनों भाई एक साथ सोते हैं बेड पर। तो एक बार बोल रहे थे महाराज, 4 करोड़ का मकान बनवाया सूरत में, जैसे मकान बना के गृह प्रवेश करवाए, 1 साल के भीतर हमारे घरवे के अगवा एगो 11 करोड़ का मकान बना दिया। अब उसके घर के आगे हमारे घरवे पंछुछुर हो गया। कहने का अर्थ है, जब आपको लगने लगे कि आपके पास बहुत हो गया है तो आगे दर्शन करिएगा, आपका अभिमान नीचे समाप्त हो जाएगा, आपसे एक से एक धुरंधर आपके सामने खड़े दिखाई पड़ेंगे। कामनाओं को जितना हो सके समेटने का स्वभाव बनाइए। यदि जीवन में आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो कामनाओं को समेटने का प्रारंभ स्वभाव बनाइए। हमारे महाराज जी कहते हैं, बाबू या तो निर्धारित करो कब तक, कब तक यानी कितना साल तक, 50 साल 60 साल 70 साल के हो जाएंगे तब तक कमाएंगे, और नहीं तो निर्धारित करो कितने तक, कितना जमा हो जाएगा कि अब प्रयास नहीं करना है, अब सहजता से बढ़ना है। यदि दोनों में से एक भी निर्धारित कर नहीं कर पाए तो कमाते कमाते मरी जाओगे और उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। हमारे गांव में एक थे बाबा, जब नहीं रहे और उनके घर वाले उनका बक्सा खोले तो उनके बक्सा में 250 धोती निकला। कितना धोती? 250। जीवन भर फाटल धोती पहन के घूमे वो धोतिया का बक्सा पहनी। आनंद में रहिए। आज शनिवार है, आज जो प्राप्त हुआ है वो आज के लिए पर्याप्त हो गया है, इस भाव में उतर के रहिए, आनंद बना रहेगा।